सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अभी का ये सीन है कि राज, आप लोगों ने राज की वीडियो देख ही ली होगी कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया एंड मैंने पूरा डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं रहना है आपके साथ। तो इसका रीजन ये है कि वो बंदा कभी भी लॉयल नहीं रह सकता। मुझे उस बंदे पे इत्तू सा भी भरोसा नहीं है, जिसे कह सकते हैं। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट कर सकती उन पे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस बंदे ने मेरा इतना दिल तोड़ा है ना, इतना कि मतलब विश्वास के लायक नहीं है वो इंसान, मैं इतना बोल सकती हूँ। और यार मैं नहीं चाहती कि आगे चल के ना कुछ भी मेरे से रिलेटेड या कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ें हो, मैं नहीं चाहती हूँ आगे चल के कि यार वो मुझे टोके और मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँ, या कुछ भी हो मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं उस बंदे को ना सीधा बोल दूँ या कुछ भी करूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मना कर दिया, क्योंकि यार मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम बार बार मुझे रंदोलते रहोगे तो मैं रुंधती रहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में कि तुम एक ही बार इंसान को बोल सकते हो, बार बार नहीं बोल सकते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लगने लगती है दिल पे। तो वही चीज़ें सारी और वही सारी बातें हैं कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है राज की कुछ चीज़ों से, राज की कुछ बातों से, जो मैं नहीं बोल सकती हूँ राज को बिल्कुल भी। सो, बस यही सारी बातें हैं जो मुझे थोड़ी बुरी लगी है राज की। एंड यही सारा टॉपिक है जो मुझे उनका बुरा लगा है। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैंने राज को चांटा मारा और राज ने फिर उसके बाद राज को मैंने मना कर दिया, क्योंकि राज एक ऐसा बंदा है ना कि क्या कहते हैं, मैं उस बंदे को कुछ भी बोलूँ तो वो बंदा ना उल्टा ही करता है उसका। अब तुमने, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जब मैं ये बोल रही थी ना कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो बोलता है सीधा दफा हो यहाँ से, निकल। मतलब क्या, मतलब तुम एक तरीके से तो मेरा डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो। आज तक तो तुमने रिस्पेक्ट दी नहीं, उसके बाद तुम उसके ऊपर से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मेरी। तो मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा भी कोई ईगो है जो मुझे ज़रा बुरा लग सकता है, राइट। एंड मुझे ना इन चीज़ों से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसे यार बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ कि मेरे को कोई भी मतलब बोलता रहेगा मेरे को बुरा नहीं लगेगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है ये कुछ चीज़ें, मैं इतना नहीं टॉलरेट कर सकती किसी को भी। और मतलब तुम दूसरों के मैटर में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी लाइफ में रहो, ठीक है। कभी तुम्हारी एक्स आ जाती है, कभी तुम्हारा फलाना आ जाता है, कभी तुम्हारी ढिमकाना आ जाता है, तुम्हारी एक तो इतनी सारे क्रशेज है क्योंकि तुम्हें क्या ही बोलूँ, इतनी सारी तो तुम्हारी क्रश है, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच क्रश है तुम्हारी, ठीक है। एक्स तुम्हारी इतनी ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ तो तुम्हारा ज़्यादा ही हो रहा है। अब क्या बोल सकते हैं, कुछ है बोलने को? और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि नहीं बोल सकते ना, नहीं बोला जाएगा इसीलिए। और सारी चीज़ें ये भी ख़त्म होती है ना कि तुम एक इंसान को तुम एक पल में यूं तुम उसके औकात दिखाते हो, यूं तुम उसको गिरा देते हो, तो वो चीज़ें नहीं चलेगी ना। और मेरे को नहीं पता, मेरे संबंध स्पेशल ने भी यही समझाया था कि देखो तुम्हें जो करना हो अपनी वजह से करना, जो तुम्हें सही लगे तुम वो ही करना, ये नहीं कि तुम्हें जो चीज़ गलत लग रही तुम वो करो, तो ये चीज़ बिल्कुल कभी मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। और बस यही सारी बातें थी जो मेरे को आप लोगों से शेयर करनी थी कि मैंने राज को फाइनली मना कर दिया है और अब मैं राज के साथ रिलेशन में नहीं आऊँगी। और प्लीज़ मुझे राज माफ़ करो, मेरे पीछे मत पड़ो, ना मेरे पीछे आओ जो मैं नहीं चाहती हूँ, दूर ही रहो, दूर ही बहुत बढ़िया चीज़ें हैं मेरे से रहने की, प्लीज़ तुमसे यही मांगूंगी मैं। तो इस गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो भी रहेगा आप लोग को दिखा दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।